बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा कि असली मुद्दों से जनता को ध्यान भटकाने का काम अच्छे से कर लेते हैं मोदी। देश में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना किसानों के बारे में सोचा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि अपने प्रचार प्रसार के ऊपर 3,044 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अपने पूरे शासन काल के दौरान शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं और अब गरीब और रोजगार जैसे मुद्दों में आम लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब गरीब जनता समझ गई है मोदी के सारे रंग, अब नहीं आने वाली वो मोदी सरकार के झांसे में। रोजगार जैसे मुद्दों से आम लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री। असली मुद्दों को चुनाव बहस रोकने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि पीएम श्री मोदी ज्यादातर शिलान्यास आदि में ही लगातार व्यस्त रहे हैं और प्रचार प्रसार पर उन्होंने 3,044 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस सरकारी धन से जो गरीब जनता की गाड़ी और मेहनत की कमाई का धन है उसको लुटाने लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों के हर गांव में शिक्षा व अस्पताल की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन भाजपा के लिए प्रचार ज्यादा जरूरी है। देश के अंदर शहीदों की बात होती है तो वो अपना बूथ मजबूत कर रहे होते हैं। बहन कुमारी ने अपने मंच से ढेर सारी बातों को मोदी को घेरते हुए ये सारी बातें कही। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पर सबसे पहले।